Next. To be on purpose. Purpose uddishta. To be on purpose means you are doing what you love to do, doing what you are good at, and accomplishing what is important to you. Iska matlab kya hai? Ki to be on purpose means you are doing what you love to do. Jiske upar aap pyar karte ho, bas wo kaam aap karte ho. Jiske upar pyar karte ho, wo kaam aap karte ho. आप जब पर्पस पे है तो है ना, जिसके ऊपर प्यार है वो काम आपने अपना धंधा करके चुन लिया है, जिसके ऊपर प्यार है, व्हाट यू लव टू डू, डूइंग व्हाट यू आर गुड एट, जिसमें आपका कला कौशल है वो आप काम कर रहे है ना। यदि आपने मेरे को अकाउंटिंग का काम दिया तो मैं उसमें बहुत ही पुअर हूं, और तुमने मेरे को बहुत पगार दिया, तनखा भी दिया, अकाउंटिंग मत बोलो भाई मेरे, या आपने मेरे को होटल का काम दिया तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, डॉक्टर हूं तभी भी मैं अच्छा हूं, डॉक्टर में मेरे को डॉक्टरी का काम दो अच्छा कर सकता हूं, बेस्ट। पर मेरे को बोला कि तुम आर्टिस्ट बनो और चित्र निकालो और आर्ट गैलरी में प्रदर्शन करो, मतलब हाँ मेरे से नहीं होता है ना। व्हाट यू आर गुड एट एंड अकम्प्लिशिंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू यू, मेरे लिए क्या महत्व का है वो मैंने करना चाहिए। हाँ वकील थे, एडवोकेट बाय प्रोफेशन, मगर वो उसमें प्यार है, कविता शेरो शायरी प्रोग्राम्स वकीली छोड़ दिया, फिर अभी काम ही नहीं, अभी मजा है और पैसे भी कमा रहे दोनों भी हो रहा है ना। नेक्स्ट, डिसाइड अपॉन योर मेजर डेफिनेट पर्पज इन लाइफ एंड देन ऑर्गेनाइज ऑल योर एक्टिविटीज अराउंड इट। ब्रायन ट्रेसी ने बोला भाई, आप एक पर्पज आपका डिसाइड करो कि पहला पर्पज क्या है। तो 5 साल का कल मैंने बोला कि 5 साल बाद में आप कैसे रहोगे, है ना, तो वो है। और दूसरा है कि पर्पज ऑफ लाइफ, मेरे को जिंदगी में क्या करना है। आप देखो कि जिंदगी का पर्पज आप पक्का करते हो और उसके लिए अपनी जिंदगी देते हो तो कितना बड़ा काम होगा पता नहीं, है ना, कितना बड़ा काम होगा। महात्मा गांधी ने 1896 में काम चालू किया अहिंसा के माध्यम से, फ्रीडम फॉर इंडिया 1947 में मिला, बड़ा पर्पस, बड़ा काम हो गया। आज कोई भी एक सिटी लो उसमें महात्मा गांधी रोड है और महात्मा गांधी का स्टैचू है और तुम्हारे खिसे में महात्मा गांधी है हर व्यक्ति के खिसे में महात्मा गांधी बड़ा काम है, कितना बड़ा काम हो जाएगा। तो पूरा पर्पस के ऊपर ही फोकस है ना। नेक्स्ट, विदाउट पर्पस एज द कंपास गाइड यू, योर गोल्स एंड एक्शन प्लान्स मे नॉट अल्टीमेटली फुलफिल यू, है ना। आपके पास में पर्पस नहीं होगा, आपके पास में कितने भी गोल्स होंगे, कितने भी एक्शन प्लान होंगे, उससे आपको फुलफिलमेंट मिलेगा नहीं जब तक पर्पस नहीं, अंदरून से लगता नहीं ऐसा करना चाहिए अगर, है ना। You don't want to get to the top of the ladder only to find out you had it leaning upon against the wrong wall. होता क्या है कि आपके पास में action plan है, आपके पास में बहुत सारी activities है, ये है वो है, आप बहुत काम कर रहे हैं मगर purpose ही नहीं है। तो मैंने कल जैसा बताया कि आप दीवार के ऊपर चढ़ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे हैं और वहाँ जाने के बाद में लगता है कि अरे अपन जगह गलती ढूंढ लिया, अपने को यहाँ आना ही नहीं था।